हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अवर सेकेंड लेक्चर इन चैप्टर नंबर 2 फॉर स्टैंडर्ड 10 इन फाउंडेशन। बिफोर डिस्कसिंग फॉर लेक्चर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिवाइज फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। सी द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। द वर्ड करंट, करंट मीन्स समथिंग दैट इज इन द मोशन, राइट? सो यू कैन कॉल्ड इट एज अ फ्लो और यू कैन से दैट इट इज करंट। हियर the flow of electricity means current electricity, this is the name of the chapter. How flow occurs? If there must be some difference, then and only then flow may be occurs. Suppose river is flowing, then what is the difference? The difference is of height. From higher level to lower level, water will be flow. Suppose in one gas chamber there is a high pressurized gas and in another chamber it is some empty vessel. So gas will flow from higher pressurized area to the lower pressurized area. So there is the difference of pressure. Suppose your charge is moving, means there must be some difference, and that difference is known as potential difference. And we define the term potential difference first lecture. How you can define potential difference? आप करते क्या थे? आप यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी डिस्टेंस से लेके आपके फील्ड का कोई जो भी स्पेसिफाइड पॉइंट रहता है उधर तक लाने के फील्ड के अगेंस्ट में जो भी वर्क कर रहे हैं वो वर्क उस पॉइंट का पोटेंशियल माना जाता है। वहां से आपने ये फॉर्मूला भी किया हुआ था। आपने किया क्या था कि अगर आपके पास दो पॉइंट है, सपोज कि ये पहला पॉइंट है, ये पहला पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, फील्ड इस डायरेक्शन में था, तो आप करते क्या थे? आपके यूनिट चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए जो भी वर्क करते थे वो वर्क को आप पोटेंशियल के तौर पे डिफाइन करते थे। तो फॉर्मूला ये बना था हमारा, VB माइनस VA इज इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी अपॉन चार्ज Q। दिस इज द मेन फॉर्मूला। हेलो, देन आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द इक्विपमेंट फॉर मेजरिंग द करंट एंड वोल्टेज। एमीटर कैन बी यूज टू मेजर द करंट एंड वोल्टमीटर कैन बी यूज टू मेजर द वोल्टेज। If you want to measure the current, means in series equipment. If you want to measure the voltage, means that voltmeter should be in parallel to that component. So that's the all thing that we have already seen in our first lecture. Let us start our second lecture. In this lecture, we are going to see one most important law, and the name of the topic is Ohm's law. This is not new for you, I guess. In your standard 10, you must have Ohm's law in your textbook. What is Ohm's law? Ohm ने क्या बताया था? Ohm ने ये बोला था कि निश्चित भौतिक परिस्थिति के अंदर, मतलब कोई स्पेशलाइज्ड कंडीशन होनी चाहिए, उस कंडीशन के दौरान आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, वो करंट के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। मतलब कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा करंट आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस कम रहेगा तो करंट कम प्रोड्यूस होगा। ये सारी चीजें ओहम ने अपने लॉ के दौरान बताई थी। देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वोल्टेज और करंट सेम है। इट इज नॉट इक्वल टू, वी इज नॉट इक्वल टू आई, वी इज प्रोपोर्शनल टू आई। व्हाट इज इट मीन? सपोज आप अलग अलग वोल्टेज दे रहे हैं। सपोज कैसे कि पहले सपोज कि आपने पॉइंट एक वोल्ट अप्लाई किया, मतलब कि पॉइंट एक वोल्ट की बैटरी लाई और देखा कि सर्किट में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो पॉइंट एक वोल्ट की बैटरी से सपोज कि 2 एम्पियर जितना करंट आ रहा है,
फिर 0.1 वोल्ट की जगह पे आपने 0.2 वोल्ट की बैटरी रखी, तब करंट क्या हो गया? 4 एम्पियर। 0.2 की जगह पे 0.3 वोल्ट की बैटरी रखी तो करंट हो गया 6 एम्पियर। 0.3 की जगह पे 0.4 वोल्ट की बैटरी रखी तो करंट हो गया 8 एम्पियर। मतलब कि वोल्टेज के बढ़ावे के साथ साथ करंट का भी बढ़ना शुरू हो चुका, सेम रेट से नहीं हो रहा है। देखो यहां से 0.1 वोल्ट था, फिर 0.2, पोटेंशियल सिर्फ 0.1 ही बढ़ा लेकिन करंट 2 एम्पियर बढ़ गया। तो जितना पोटेंशियल बढ़ रहा है उतना ही करंट नहीं बढ़ रहा है। तो पहली बात आपको यह समझनी है कि V प्रोपोर्शनल टू I का मतलब क्या है। V प्रोपोर्शनल टू I का मतलब है कि V बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा वो किस पे डिपेंड करता है? ये प्रोपोर्शनलिटी निकाल के जो कांस्टेंट आता है उस पे डिपेंड करता है। तो V अगर मेरे को प्रोपोर्शनलिटी निकल के इक्वल टू का साइन लाना है तो कोई कांस्टेंट रखना पड़ेगा, R, सपोज कि वो कांस्टेंट R है। तो यही चीज को मैं ऐसे लिख देता हूं, V इज इक्वल टू आई आर। यहां पे क्या है, वेयर R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। लेकिन वही R को आप क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ योर कंडक्टर। आपके कंडक्टर का जो भी रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को आप R से डिफाइन करते हैं, तभी आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट R लिया। R को सब्जेक्ट बनाओ तो क्या आएगा, V अपॉन I। V कैन बी मेजर इन वोल्ट, I can be measured in ampere, but we are not define volt upon ampere as the unit of resistance. We define that the unit of resistance is what? Ohm. The resistance, the unit of resistance is ohm. It is same like volt upon ampere, but generally we used ohm as the unit of resistance. Right? The symbol of ohm is what? This is the symbol, ohm. So, I hope you learn what is ohm's law. Voltage के बढ़ने के साथ current बढ़ता है। इसका मैं graph plot करता हूँ, देखो। सपोज यहां पे वोल्टेज है, यहां पे करंट है, तो होता क्या है, यहां पे जीरो, फिर देखो कि ये 0.1 वोल्ट है, ये 0.2 वोल्ट है, ये 0.3 वोल्ट है, ये 0.4 वोल्ट है, और यहां पे देखो आप 1 एम्पियर, ये देखो 2 एम्पियर, ये देखो 3 एम्पियर, ये 4 एम्पियर, ये 5 एम्पियर, ये 6 एम्पियर, ये 7 एम्पियर, ये 8 एम्पियर। आप पॉइंट डिफाइन करो, 0.1 वोल्ट पे 2 एम्पियर था, तो वोल्टेज जब 0.1 है तो करंट 2 एम्पियर है। मतलब कि ये वोल्टेज जब 0.2 वोल्ट है तब करंट 4 एम्पियर है, तो ये 0.2 है तब ये 4 है। वोल्टेज जब 0.3 वोल्ट है तब ये 6 एम्पियर है। सपोज कि वो पॉइंट यहां पे आएगा ना, ये 0.3 तब ये 6 है, ये 0.4 है तब ये 8 एम्पियर, ये 0.4 है तब ये 8 एम्पियर। सपोज कि वो पॉइंट इधर लोकेट हो रहा है, तो आप पूरा ग्राफ बनाओ, ठीक है, यहां पे आएगा शायद। पूरा ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसा कोई ग्राफ होगा। So, V और I का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन ही होनी है क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है V प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। प्रार्थना कर जो हाजा ताजा राखे हमने, तमे तेवी प्रार्थना क्या करता है सोका। ओके, हेलो हेलो, ओके, V प्रोपोर्शनल टू I,
The graph of V versus I is a straight line. Ohm said that if any conductor obeys my rule, means अगर किसी conductor ओहम law को follow कर रहा है तो उसका V versus I graph क्या होगा? Straight line होगा. अगर आपके सामने graph आता है तब आपका ध्यान किधर जाता है कि उसका स्लोप क्या होगा. स्लोप मींस टेन थीटा. टेन थीटा मींस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो मैं स्लोप स्लोप बोलू या टेन थीटा बोलू, तो थीटा क्या है? हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया गया एंगल थीटा. तो स्लोप बोलता हूं. सपोज कि मैं ये पोर्शन लेता हूं, इतना पोर्शन लेता हूं मैं, ये तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा ही होना है ना. थीटा टेन थीटा मतलब क्या? अपोजिट. अपोजिट मतलब सपोज ये ए बी सी है तो टेन थीटा क्या होगा? ए बी अपॉन बी सी होगा. ए बी, ए बी को हम मेजर किस में करते हैं? तो कि ये हाइट है वो क्या है? वोल्टेज का डिफरेंस है ना. तो ए बी है डेल्टा वी. बी सी क्या है? ये करंट का डिफरेंस डेल्टा आई. सो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, यही फॉर्मूला से, आगे वाली फॉर्मूला से देखो, आर को क्या बोलते हैं? वी अपॉन आई. तो आपको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई क्या मिलेगा? रेजिस्टेंस मिलेगा ना. तो अगर आपके पास वी वर्सेस आई का ग्राफ है, वी वर्सेस आई का ग्राफ है, तो उसका स्लोप आपको क्या देगा? उसका स्लोप आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताएगा. लेकिन सपोज सेम चीज, यही चीज V वर्सेस I में नहीं होती, I वर्सेस V में दी गई होती. मतलब आपने ग्राफ प्लॉट किया होता I वर्सेस V का, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आना था. सपोज स्ट्रेट लाइन ही आएगा ग्राफ, लेकिन यहां पे थीटा ये होता. अगर थीटा ये होता तो आप टेन थीटा निकालो, तो अगर आपको I वर्सेस V का ग्राफ दिया गया है और इसमें आप स्लोप, स्लोप मतलब कि टेन थीटा निकाल रहे, तो टेन थीटा क्या होगा? ये देखो ए बी अपॉन बी सी. ए बी क्या है? यहां पे ये डिफरेंस किस में मेजर होता है? करंट के अंदर, डेल्टा आई के अंदर मेजर होता है. बी सी क्या है? वो होता है डेल्टा वी, वोल्टेज के अंदर मेजर होता है. तो ये आई अपॉन वी, आई अपॉन वी, वी अपॉन आई नहीं आया, आई अपॉन वी आया. तो I अपॉन V को आप क्या बोलते हैं? वन अपॉन रेजिस्टेंस. तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपके पास कोई ग्राफ दिया है और उस ग्राफ में से आपको रेजिस्टेंस कितना है वो पूछा गया है, तब आपको ये कंपलसरी देखना है कि आपका ग्राफ V वर्सेस I है या I वर्सेस V है. अगर आपका ग्राफ V वर्सेस I रहेगा तब ही उसका स्लोप रेजिस्टेंस आएगा. अगर आपका ग्राफ I वर्सेस V का है तब आपका स्लोप का आंसर रेजिस्टेंस नहीं है, वन अपॉन रेजिस्टेंस है. फिर उसका उल्टा करने से आपको रेजिस्टेंस मिलेगा. तो ऐसे कोई क्वेश्चन में आपके साथ ऐसा छोटा मोटा ट्रिक किया जाएगा कि कभी आपको V वर्सेस I का ग्राफ देंगे, कभी आपको I वर्सेस V का ग्राफ देंगे. पर आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि कब कहां से मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं. ठीक है, तो ये जो बातें बताई मैंने वो आपके दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना. फिर क्या हुआ? सपोज मेरे पास कोई एक कंडक्टर है, सपोज के इतना कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर मेरे पास इतना बड़ा है. बड़ा तो नहीं बोल सकते, लंबा है ऐसा बोल सकते हैं. मटेरियल दोनों का सेम है, सपोज ये भी कॉपर का मटेरियल है, ये भी कॉपर का मटेरियल है, लेकिन इसकी लंबाई शॉर्ट है, ये बहुत लंबा है, ज्यादा लंबाई वाला है. इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक बाहर निकलना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को इसमें से यहां पे बाहर निकलना है, इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां तक बाहर निकलना है. ज्यादा दिक्कत किसमें आएगी? इसमें आएगी. आप ये समझो ना कि एक छोटा टनल है और वो टनल पास करके आपको जाना है. वो टनल साइज वाइज छोटा है और लेंथ वाइज शॉर्ट है,
और दूसरा टनल साइज वाइज तो छोटा ही है लेकिन लेंथ वाइज बड़ा है। आपको उस टनल में से निकलना है। अगर आप उस टनल में से निकलोगे तो आप छोटे टनल में से जल्दी जल्दी निकल जाओगे और उस टनल में से निकलने के लिए टाइम लगेगा क्योंकि वहां पे आपके पास रेजिस्टेंस बहुत है, ऐसा बोल सकते हैं ना, क्योंकि एक तो ऑलरेडी बहुत लंबा है और छोटा भी है, आप कैसे निकलोगे उसमें से। तो मतलब कि बाय एक्सपेरिमेंट आई कैन से दैट रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो भी रेजिस्टेंस रहता है वो लेंथ के प्रोपोर्शन में रहता है। ज्यादा लंबा कंडक्टर लोगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम लंबा रेजिस्टेंस लोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा। सपोज अभी मैं क्या कर रहा हूं, लेंथ सेम ले रहा हूं लेकिन इसका एरिया छोटा है और ये बड़ा एरिया वाला एक कंडक्टर ले रहा हूं। आप समझो आपके पास दो टनल है, एक टनल साइज में छोटी है और सपोज कि 500 मीटर लंबी है, दूसरी टनल है तो 500 मीटर लंबी ही लेकिन वो बहुत बड़ी है। आपको दोनों में से बाहर की ओर निकलना है तो आप बड़ी वाली टनल में तो ऐसे दौड़ दौड़ के भी जा सकते हैं ना, क्योंकि उसमें एरिया बहुत बड़ा है, आप आसानी से फ्लो हो जाएंगे उससे उसके अंदर से। छोटे वाली टनल में से आप आसानी से दौड़ दौड़ के नहीं जा सकते। मतलब कि जो एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हुआ, एरिया छोटा हुआ रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो रेजिस्टेंस आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ये दोनों के ऊपर से मैं ये लिख सकता हूं कि आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर मेरे को निकालना है तो कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा और वो कांस्टेंट है रो, वेयर रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट depends only on material, not shape, not on shape or size. Dimension पे depend नहीं करता है resistivity क्या रहेगा, वो सिर्फ material पे ही depend करता है। तो आपके पास एक और formula आया, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, ये क्या है वो मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। सपोज आपके पास सेम लेंथ और सेम एरिया वाले तीन कंडक्टर है, इसकी लेंथ जितनी है एरिया जितना है उसकी इतनी इतनी, इसकी लेंथ भी उतनी है उतना ही एरिया, इसकी लेंथ भी उतनी है उतना ही एरिया है। लेकिन ये सपोज की आयरन का है, ये सपोज की कॉपर का है, ये सपोज की सिल्वर का है। आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना है। तो अभी डायमेंशन तो तीनों के अंदर सेम है लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको मालूम रहेगा कि आयरन में से इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाने में ज्यादा टाइम लगा, कॉपर में उससे थोड़ा कम टाइम लगा और सिल्वर में तो बहुत कम टाइम में इलेक्ट्रॉन यहां से वहां चला गया। अभी आप सबके पास टनल सेम है फिर भी किसी में बाहर निकलने के लिए कम टाइम लग रहा है, किसी में ज्यादा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो टनल की रेजिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। आयरन के अंदर रेजिस्टिविटी ज्यादा है, कॉपर में उससे कम है, सिल्वर में बहुत कम रेजिस्टिविटी है। तो जो आपका रेजिस्टिविटी है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी रहता है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तभी तो हम वायरिंग के लिए कॉपर का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि कॉपर का रेजिस्टिविटी कम है। कभी आपने ये नहीं सोचा कि कॉपर का भाव ज्यादा है आयरन का भाव कम है तो आपने सारा वायरिंग आयरन से क्यों नहीं किया? अरे भाई आयरन से वायरिंग कर सकते हैं लेकिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ेगा।
आप ऐसे स्विच चालू करोगे तो लाइट होने में काफी टाइम लग जाएगा, लाइट हो भी गई तो भी हीट बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगी, क्योंकि हीट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट ज्यादा। मतलब कि हम अपनी सहूलियत देखते हैं, हमने कॉपर से पूरा वायरिंग किया, क्यों? क्योंकि कॉपर के अंदर रेजिस्टिविटी कम रहता है। तो फिर ये क्वेश्चन होगा, सर कॉपर से कम तो सिल्वर के अंदर रेजिस्टिविटी है, तो आप लोग सिल्वर से क्यों नहीं कर सकते हैं ना? अगर आपके पापा अंबानी हैं तो आप सिल्वर की वायरिंग आपके घर में रख सकते हैं। सिल्वर का भाव देखो 800 रुपये, 900 रुपये 10 ग्राम है, तो 10 ग्राम 900 रुपये वाला वायर लाना है तो खर्चा बढ़ जाएगा ना। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से कॉपर से पूरा वायरिंग करते, क्योंकि कॉपर भाव वाइज सिल्वर से बहुत सस्ता है और रेजिस्टिविटी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसीलिए हम कॉपर से पूरा वायरिंग का करते हैं। आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। अभी देखो यही फॉर्मूला को मैं अलग अलग सभी टाइप के अंदर करता हूं, कैसे? देखो मैं करता हूं, रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है? एरिया पे और लेंथ पे, मास पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन मास पे डिपेंड कर सकता है, कैसे? मैं वो बताता हूं आपको। सपोज आपके पास कोई एक सिलेंडर है, वो सिलेंडर की लेंथ सपोज की एच है, और वो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया सपोज ए है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम आप 10th स्टैंडर्ड में है, आपको आता है पाई आर स्क्वेयर एच। पाई आर स्क्वेयर को क्या बोलते हैं? पाई आर स्क्वेयर को आप बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो हाइट या तो लेंथ होती है उसको आप बोलते हैं ये। सो वॉल्यूम को आप क्या बोल सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ, या तो एरिया इंटू हाइट। मैं यही इक्वेशन को ये कर देता हूं, यही इक्वेशन में मैं क्या करता हूं, रो एल अपॉन ए, फिर मैं दोनों को ऊपर और नीचे एल के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, एल के साथ डिवाइड करता हूं। मतलब कि मैं इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, जस्ट मैथमेटिकल वे बदल रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा? रो एल स्क्वेयर अपॉन एरिया इंटू लेंथ, तो वॉल्यूम हो गया ना, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है, ए इंटू एल वॉल्यूम। और हमको मालूम है वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप मास अपॉन डेंसिटी कर सकते हैं। सो रो एल स्क्वेयर वॉल्यूम निकाल के आप मास अपॉन डेंसिटी बोल सकते हैं, तो ये अल्टीमेटली हो क्या गया? रो एल स्क्वेयर डी अपॉन एम। हेलो, यही एक इक्वेशन को आप इतने तरीके से लिख सकते हैं। कभी आपको मालूम पड़ा आपको ये लेना है तो ये लो, अगर आपके इक्वेशन में लेंथ और एरिया दिया है, कंडक्टर का लेंथ और एरिया दिया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। अगर आपके पास लेंथ और वॉल्यूम दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो, अगर आपके पास लेंथ और मास दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो। जैसा आपका डेटा वैसा आपका फॉर्मूला। तो ये तरीका है पढ़ने का। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? आपके पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला था, लेकिन यही फॉर्मूला को आप इतने अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन कुछ भी आए आपको समझ में आएगा। एक बात मैं और आपको बताता हूं, अनटिल एंड अनलेस मटीरियल इज सेम मीन्स इट्स डेंसिटी एंड रेजिस्टिविटी आर सेम। जब तक एक ही मटीरियल रहेगा, सपोज सपोज मेरे पास तीन कंडक्टर है, एक इतनी लेंथ का है, एक इतनी बड़ी लेंथ का है, एक बहुत बड़ी लेंथ का है, लेकिन सभी कंडक्टर कैसे है? कॉपर के ही है। सपोज ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का है, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इसका रेजिस्टिविटी रो वन है, इसका रेजिस्टिविटी रो टू है, इसका रेजिस्टिविटी रो थ्री है। नहीं, सभी का रेजिस्टिविटी रो है, क्योंकि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल, नॉट द शेप एंड साइज।
कैसा भी साइज रहेगा, रो तो सबका सेम ही रहेगा, सभी की डेंसिटी सेम रहेगी। जब तक एक ही मटेरियल है तब तक रेजिस्टिविटी और डेंसिटी सेम ही रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे बताई गई है, मैं एक के बाद एक आपको स्लाइड दिखा रहा हूं। सी, ओहम्स लॉ, इमेजिन अ कंडक्टर थ्रू विच अ करंट आई इज फ्लोइंग एंड लेट वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। ओहम्स लॉ सजेस्ट करता है कि वी प्रोपोर्शनल टू आई मीन्स वी इज इक्वल टू आर आई। द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम एंड इट इज डिनोटेड बाई दिस सिंबल। रेजिस्टेंस not only depends on material but also depends on the dimension. Resistance hai wo dimension pe depend karta hai. Kam length wala lo to resistance kam rahega, zyada length wala lo to resistance zyada rahega, lekin resistivity depend nahi karti hai. R proportional to L, R proportional to 1 upon A, R proportional to L by A, proportionality constant nikalo to aapko rho likhna padega, wo rho ko bolte hai aap resistivity, aur resistivity depends on the material of the conductor but not on its dimension. Using the last equation means V is equal to IR but R is equal to what? Rho L upon A. So IR, I rho L upon A. This is the formula to find out the voltage. ऐसा एक क्वेश्चन है आपके सामने, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉपर वायर लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर। सो आपके पास लेंथ दिया गया है, लेंथ इज 1 मीटर, एरिया इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर, मीन्स 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी इज गिवन 1.7 × 10⁻⁸ ओहम × मीटर। The unit of resistivity is ohm into meter. Ultimately, you want to find out the resistance. Resistance is what? Rho L upon A. What is rho? 1.7 × 10⁻⁸. What is the length? 1 meter. What is the cross-sectional area? 2 × 10⁻⁶. Whatever the simplification, that is your answer. And answer is in ohm. Right? तो बस अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगेन मैं आपको बताता हूं कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूलाए हैं। तो पहला तो ये है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू। दूसरा आज हमने सीखा कि वी इज इक्वल टू आई आर हो सकता है। तीसरा हमने सीखा आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हो सकता है। यहां से ही हम ये लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू रो एल स्क्वेयर अपॉन V भी हो सकता है। यहां से ही हमने सीखा कि R इज इक्वल टू रो एल स्क्वेयर D अपॉन M भी हो सकता है, ठीक है। यहां से ही हमने सीखा कि V इज इक्वल टू I इंटू R मीन्स I इंटू रो इंटू L बाई A भी हो सकता है। आगे हमने ये भी सीखा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर कि चार्ज है, चार्ज को आप क्वांटमीकरण से क्यू इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आप क्यू इज इक्वल टू एन ई भी बोल सकते हैं। उसके बाद अगले लेक्चर में हमने ये देखा था कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो आप यहां से क्यू इज इक्वल टू आई टी भी बोल सकते हैं। सो अल्टीमेटली 5, 6, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, इतने फॉर्मूला आपके पास है। जब जैसी जरूरत वैसा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहीं पे लिख लेना आप। फिर जो मैंने बोला था वो कि भाई लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ, ये बाकी था हमारा। ओहम के लॉ की लिमिटेशंस क्या है? पहला तो ये है कि ओहम का जो लॉ है वो पूरे यूनिवर्सल, पूरे यूनिवर्स के लिए वैलिड नहीं है। आप देखो तो ग्रेविटेशनल लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ है, वो कहीं पे भी सच है। कूलम्स लॉ है वो यूनिवर्सल लॉ है, वो कहीं पे भी सच है। लेकिन ओहम का जो लॉ है वो कहीं पे भी सच नहीं है।
वो कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन के अंदर ही सच है. Although Ohm's law has been found valid over a large class of material, बहुत सारे material ऐसे हैं जो ओहम के लॉ को ओबे करते हैं, लेकिन कोई कोई material ऐसे भी है जो ओहम के लॉ को follow नहीं करते हैं. जो material ओहम के लॉ को follow करते हैं उसको बोलते हैं ओहमिक कंडक्टर. जो material ओहम के लॉ को ओबे नहीं करते हैं उसको बोलते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर. लिमिटेशन क्या है? ओहम ने यह बताया था कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट लीनियरली ही बढ़ेगा, लेकिन कोई कोई कंडक्टर ऐसे है जिसके अंदर वोल्टेज बढ़ने से करंट लीनियरली नहीं बढ़ता है, कर्व बढ़ जाता है. आप नॉन ओहमिक कंडक्टर की तो बात ही छोड़ दो, ओहमिक कंडक्टर की ही बात करो. तो ओहमिक कंडक्टर के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि आप बहुत लंबे देर तक करंट फ्लो कर रहे हैं. मतलब कि आप क्या करते हैं, आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं. आपने किया क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, इंक्रीज करते गए. जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है. लेकिन कुछ देर बाद करंट इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है कि अब वो क्या होता है, करंट नहीं बढ़ता है, अब हीट बढ़ने लगती है. आई स्क्वेयर आर टी के अनुसार अभी क्या होगा, आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के साथ करंट नहीं बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने के साथ हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है. मतलब कि यहां तक देखो आप, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा, यहां तक वो लीनियरली बढ़ रहा है. लेकिन अभी आप वोल्टेज में डिफरेंस ला रहे हैं, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन वोल्टेज बढ़ने से करंट आगे नहीं गया, करंट कम हो गया. ऐसा कुछ करो आ गया आगे जाके. क्यों? क्योंकि अभी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होने लगेगी, करंट नहीं बढ़ेगा. सो समटाइम्स वी वर्सेस आई ग्राफ मे नॉट बी लीनियर, इट कैन बी कर्व ऑल्सो. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ओहम्स लॉ, दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन. देर आर फ्यू मोर लिमिटेशंस. सी, देर आर सम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इन विच करंट डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द वोल्टेज. बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल वो डिवाइस के पॉजिटिव के साथ रखते हैं, बैटरी का नेगेटिव वो डिवाइस के नेगेटिव के साथ. आपको जो करंट मिल रहा है वही करंट बैटरी उठाने से नहीं मिल रहा है. मतलब कि आप वोल्टेज का वैल्यू सेम लिख ले रहे हैं. सपोज ये 0.2 है, सपोज यहाँ पे भी शायद 0.2 है समझ लो. तो यहाँ पे 0.2 पे जो करंट मिल रहा है वो मिली एम्पियर के अंदर है, लेकिन यहां पे जो 0.2 पे करंट मिल रहा है वो माइक्रो एम्पियर के अंदर है. मतलब कि वोल्टेज सेम देने के बावजूद सिर्फ साइन उल्टा रहे हो, तो साइन उल्टाने से आपका सेम आंसर नहीं आ रहा है, सेम करंट का वैल्यू नहीं मिल रहा है. मतलब वोल्टेज सेम ले है लेकिन करंट अलग अलग मिल रहा है. क्यों? क्योंकि आप जस्ट वोल्टेज का साइन उल्टा रहे हैं. ऐसे डिवाइस कौन से है? डायोड. डायोड इज सच काइंड ऑफ डिवाइस. डायोड में क्या रहता है, ऐसा रहता है, सपोज ये डायोड है, ये पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, ये नेगेटिव टर्मिनल रहता है. यहां पे आप बैटरी कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव. फिर क्या होता है, यही डायोड है उसके साथ आप बैटरी उल्टा रहे, ये नेगेटिव कर रहे, ये पॉजिटिव कर रहा है. तो ये केस के अंदर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव के साथ नेगेटिव, यहां पे आपको करंट मिल रहा है मिली एम्पियर के अंदर, लेकिन यहां पे करंट मिल रहा है आपको माइक्रो एम्पियर. या तो करंट फ्लो ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है, बहुत छोटा सा करंट फ्लो हो रहा है. तो बैटरी का साइन उल्टाने से सेम वैल्यू नहीं मिल रही है. तो दिस इज द अनदर लिमिटेशन. द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ वी. In another words, if I is the current for a certain V, then reversing the direction of V, keeping its magnitude fixed, doesn't produce a current of the same magnitude as I in the opposite direction.
This happens, for example, in a diode. Diode is a semiconductor device. Materials are classified as conductors, non-conductors, or you can say insulators or semiconductors. जिसके अंदर से हो सके वो कंडक्टर, जिसके अंदर पास ना हो सके वो इंसुलेटर. और कुछ मटेरियल करने देते हैं, कुछ नहीं करने देते. ऐसे सारे जो मटेरियल्स है उसको आप बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, एक और लिमिटेशन है. लिमिटेशन क्या है कि कोई कोई मटेरियल ऐसे है जिसके अंदर आई की सेम वैल्यू पे अलग अलग वोल्टेज मिलते हैं. जैसे कि देखो, ये जो ग्राफ दिया है वो गैलियम आर्सेनाइड का दिया है. गैलियम आर्सेनाइड का इसके अंदर क्या रहता है कि आप देखो, ये करंट पकड़ो तो ये करंट के सामने वोल्टेज की तीन वैल्यू मिल रही है. ये वोल्टेज भी हो सकता है, ये वोल्टेज भी हो सकता है, ये वोल्टेज भी हो सकता है. मतलब आप इतना वोल्टेज, ये आप सपोज कि इतना पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो तो भी यही करंट मिल रहा है. आप इतना पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो तो भी ये करंट मिल रहा है. आप इतना पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हो तो भी ये करंट मिल रहा है. मतलब कि ओहम ये बोलता था कि V बढ़ाने से I बढ़ेगा. V बढ़ाया, I नहीं बढ़ा. दिस इज द लिमिटेशन. कुछ कुछ मटेरियल ऐसे भी है जिसके अंदर ग्राफ भी लीनियर नहीं है. देखो, ये लीनियर यहां तक फॉलो करता है लीनियरिटी, लेकिन ये नॉन लीनियर हो गए. ये नॉन रेजिस्टिव, नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला पार्ट हो चुका. तो कोई कोई मटेरियल ऐसे है जिसके अंदर वो ना तो लीनियर रहता है, ना तो वी बढ़ने से आई बढ़ता है. सो द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई इज नॉट यूनिक. देयर इज मोर देन अ वैल्यू ऑफ वी फॉर द सेम करंट. सेम करंट पे अलग अलग वोल्टेज मिल रहे हैं. अ मटेरियल एग्जिबिटिंग सच बिहेवियर इज गैलियम आर्सेनाइड. Materials and devices not obeying Ohm's law in the form V is equal to IR are actually widely used in electronic circuits. जितनी भी electronic devices है उसमें non-ohmic conductor का use ज्यादा होता है. Electrical devices है उसमें ohmic conductor ज्यादा रहता है. तो non-ohmic conductor कौन से हैं? तो सारे के सारे जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है वो नॉन अहोमिक बोल सकते हैं. अभी ये सारे क्वेश्चन करने के लिए आपको मैंने जो वो लिस्ट बनाया था ना फॉर्मूला का, वो याद रहना जरूरी है. आप देखो, दिया क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए गए 6×10^17 थ्रू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर मिनट. मतलब टाइम दे दिया गया पर मिनट, मतलब 60 सेकेंड. आपको पूछा है कि करंट आई क्या होगा. तो आई आपको मिल सकता है ये फॉर्मूला से, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. आपको आई ढूंढना है तो आपको टाइम तो दिया ही है ना, 60 सेकेंड, लेकिन क्यू नहीं दिया है, एन दिया है. तो क्यू को आप ऐसे लिख सकते हैं एन ई. एन कितना है, 6×10^17 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6×10^-19 अपॉन 60 सेकेंड. जो भी आएगा वो आपका आंसर आएगा करंट का, एम्पियर के यूनिट रहेगा एम्पियर. आप देखो, ये छोटी मोटी रकम नहीं है. 6×10^17 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब आप देखो 10^3 को आप बोलते हैं 1000, 10^4 को बोलते हैं 10,000, 10^5 को बोलते हैं 1 लाख, 10^6 को बोलते हैं 10 लाख, 10^7 को बोलते हैं 1 करोड़, 10^8 को बोलते हैं 10 करोड़. ये 10^8 नहीं, 10^17 है. मतलब आम तुम्हें जो ने बापल यार, आम वीणा वीणा ही नहीं, गणा गणा ही नहीं, तो ही मारा छाबला मा माई नहीं. एटला बधा इलेक्ट्रॉन, एटला बधा इलेक्ट्रॉन एक मिनिट में जाए तो ही तुम्हारा करंट नो आंसर जो केटलो आवे छे. करंट नो आंसर आवे छे साव, आम तमे चेक करो ना, मिली एम्पियर में. बहु माइनोर करंट प्रोड्यूस थाय. दैट्स वाई इन अवर फर्स्ट लेक्चर देर इज अ लाइन दैट एम्पियर इज अ बिग यूनिट. दैट्स वाई वी यूज्ड स्मॉल यूनिट लाइक मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर, बिकॉज
આટલા બધા ઇલેક્ટ્રોન ભટકાવા છતાંય તે તમારો કરંટ આવો આમ દંદુડી જેવો 1.6 મિલી એમ્પિયર આવ્યો. સી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. 4 વોલ્ટ બેટરી ઇઝ કનેક્ટેડ ટુ અ લેમ્પ વિથ 4 ઓહમ રેઝિસ્ટન્સ, મીન્સ વી ઇઝ ગીવન 4 વોલ્ટ, આર ઇઝ ગીવન 4 ઓહમ, ધે આર આસ્કિંગ વોટ ઇઝ આઈ. So you have formula V is equal to IR. From this equation you can easily get what is the value of R. So do it in your homework. How much current will flow through a resistor of resistance 12 ohm if a battery of 18 volt is connected across? Resistance diya hai, battery di gayi hai, V aur R diya hai, aapko I ke bare mein puchhenge. I मिल गया आसानी से, V इज इक्वल टू आई आर. अ पार्टिकल विद अ चार्ज ऑफ 1.5 कूलम इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ पोटेंशियल 50 वोल्ट टू अनदर पॉइंट बी एट अ पोटेंशियल ऑफ 120 वोल्ट, कैलकुलेट द वर्क डन. ये हमारा आगे वाले फर्स्ट लेक्चर में से क्वेश्चन आ गया कि आप पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करते थे. आप ये बोलते थे ना वी बी माइनस वी ए, ए से बी तक ले गए, उस दौरान जो वर्क करना पड़ा अपॉन जो चार्ज है वो चार्ज. आपको पूछा है कि वर्क कितना करना पड़ा होगा, तो बी का पोटेंशियल क्या है, बी का पोटेंशियल है 120 वोल्ट, ए का पोटेंशियल है 50 वोल्ट. वर्क कितना करना पड़ा, आप कितने चार्ज को ला रहे हैं, 1.5 कूलम वाले को. तो यहाँ से आप ये बोल सकते हैं ना कि वर्क डन कितना होगा, 1.5 इंटू जो डिफरेंस आता है वो 70, 15 अपॉन 10, 10 10 कैंसल, 15 7 105 जूल. कितना वर्क डन करना पड़ेगा. हेलो, आपको क्वेश्चन देख के तय करना रहेगा कि कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, तब जाके ही आप आंसर तक पहुंच पाएंगे. Masses of three wires of copper are in the ratio of 5:3:1 and their lengths are in the ratio of 1:3:5. See, आपके पास तीन वायर है कॉपर के ही है, कॉपर के ही है मतलब तीनों वायर की रेजिस्टिविटी सेम है. मास का और लेंथ का रेशियो दिया है, मतलब कि ये दे दिया है, मासिस एंड लेंथ. अच्छा, एम वन इज टू एम टू इज टू एम थ्री इज इक्वल टू 5:3:1 एंड एल वन इज टू एल टू इज टू एल थ्री इज इक्वल टू 1:3:5. दे आर टॉकिंग अबाउट वॉट इज आर वन इज टू आर टू इज टू आर थ्री. ये क्या होगा, तो आर का फॉर्मूला एल और एम में हमने आगे अभी देखा है. R can be written as rho L square m into d. अगर if material is same, then you can say that R proportional to L square upon m. क्योंकि density और resistivity ये दोनों तो same material रहेगा तो सब में same रहेगा. So R proportional to L square by m, ये आप कर सकते हैं. आपको पूछा है R1 is to R2 is to R3 क्या रहेगा, तो आप ये लिख सकते हैं ना L1 square upon M1 is to L2 square upon M2 is to L3 square upon is to M3. लेंथ क्या दिया है, 1:3:5, सो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25. मास क्या है, 5:3:1. हेलो, 3 3s are 9, सो यू कैन से दैट 1/5:3:25. एलसीएम निकाल लो तो 1:5 3s are 15:25 3s are 125. अपॉन में 5 नहीं करना है क्योंकि ऐसे तीन टाइप के रेशियो रहते हैं, ए अपॉन बी नहीं, ए अपॉन बी अपॉन सी, मतलब ए इज टू बी इज टू सी है,
तो जस्ट आप ऐसे एलसीएम ले लो, ये आगे 11 साइंस में आपको आएगा, अभी तक के लिए आप यही लिख लो कि अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको जस्ट एलसीएम लेना है 1:15:125, नीचे 5 लिखना नहीं है क्योंकि यही रेशियो हो गया है R1:2, R2:3। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा कहाँ से, दोनों को एक दोनों के साथ एल के साथ दोनों को मल्टीप्लाई किया, एल के साथ दोनों को डिवाइड किया, हेलो ये जो मैंने आपको बताया था वो, तो आंसर आएगा सी 1:3:1:15:125। देखो यहाँ पे R इज इक्वल रो एल अपॉन ए, दोनों के ऊपर नीचे एल एल के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो रो एल स्क्वेयर ए इंटू एल विल बी वी, वी को आप लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी, सो इट इज रो एल स्क्वेयर डी अपॉन एम, सो आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वेयर अपॉन एम एंड फ्रॉम दैट यू कैन कम टू योर आंसर। अ कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.6 ओहम, अनदर कॉपर वायर ऑफ द सेम मास ऑफ द फर्स्ट एंड इट इज डबल इन लेंथ ऑफ द फर्स्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड वायर। सी पहले तो ये सॉल्यूशन आप किधर लिख लेना, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है वो देखो, रेजिस्टेंस इज गिवन, कॉपर वायर हैज अ रेजिस्टेंस 0.6 ओम, अनदर कॉपर वायर मींस डेंसिटी दोनों का सेम है लेकिन लेंथ पूछा है मास पूछा है, सो आप ये लिख सकते हैं ना आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन एम, क्योंकि सेम मटेरियल है तो ये रिलेशन आएगा, तो आप यहां से ये लिख सकते हैं आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू एल टू स्क्वायर अपॉन एम टू अपॉन एल वन स्क्वायर अपॉन एम वन, फ्रॉम दैट यू कैन से दैट आर टू अपॉन आर वन इज इक्वल टू एल टू स्क्वायर अपॉन एल वन स्क्वायर इन टू एम वन अपॉन एम टू, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, आर टू पूछा है तो एल टू अपॉन एल वन का पूरा का स्क्वायर इन टू एम वन अपॉन एम टू इन टू आर वन करना रहेगा। आप डेटा में देखो लेंथ कैसी है, डबल इन द लेंथ ऑफ द फर्स्ट, दूसरे वाले की लेंथ पहले वाले से डबल है, सो एल टू विल बी टू एल वन, एल वन एल विल कैंसिल, सो ये आ जाएगा टू का स्क्वायर, मास सेम दिए गए हैं विथ सेम मासिस तो मास तो कैंसिल हो जाएगा, पहले वाले का रेजिस्टेंस कितना है 0.6 ओहम, तो ये हो जाएगा 0.6, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 0.6 2.4 ओहम, दैट इज योर रेजिस्टेंस। हेलो आंसर आएगा 2.4 ओहम, सीटीपी लेवल 2 का है, आपको ये रिलेशन मालूम होना चाहिए रेजिस्टेंस लेंथ और मास पे कैसे डिपेंड करता है। अ रेजिस्टिव वायर इज स्ट्रेच टिल इट्स लेंथ इंक्रीज्ड बाय 100% ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंट डिक्रीज इन डायमीटर, इन द चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ अ स्ट्रेच वायर विल बी हाउ मेनी परसेंटेज। सी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार मैं पूरे अच्छे से ये क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप सारे काम छोड़ के यहां पर ही फोकस करो। बोला क्या है, आपके पास एक वायर है जिसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं, सपोज कि आपके पास ये वायर है यहां पे इतना, थोड़ा और बड़ा कर लूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ये वायर है आपके पास, ठीक है, ऐसा पूरा वायर है आपके पास, ये वायर को आप ऐसे खींच रहे हैं, 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 बहुत कितना, बहुत कितना, बहुत कितना, यहां तक पूरा स्ट्रेच कर दिया, तो अभी आपका वायर कैसा बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, अल्टीमेटली वायर को खींचने से उसकी लेंथ बढ़ रही है लेकिन उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, क्यों, आप देखो ना, तुमने शू कहू आम ओली बेनो रोटली करे तो ओलू मोटू गोयण, इन इंग्लिश में हूँ कहवा गोयण, ओलू रोटली माटे ओलू आम ओलू आम, हाँ ई ई ई गोयण मोटू गोयण, पछी रोटली करो तो ई बहु मोटी रोटली थाय, नानू गोयण लो पछी रोटली करो तो नानू गोयण थाय, मीन्स
बदल रहे हैं उसको पुल करके, यही बोल सकते हैं ना, ओला रोटली मत होते हैं वणवा थी पड़ा आम जो ने तो वो कॉन्स्टंट रहतो है कारण के आनो एरिया ने आनी लेंथ અને આનો એરિયા અને આની લેન્થ એ બંનેનું મલ્ટિપ્લિકેશન સેમ જ થતું હોય. હલો, વેન યુ આર સ્ટ્રેચિંગ સમથિંગ મીન્સ વોલ્યુમ મસ્ટ બી કોન્સ્ટન્ટ. હું અત્યારે તમારી સામે જેવો ઊભો છું એવો ઊભો છું એટલે મારું કંઈક વોલ્યુમ હશે. હવે કોક માણસ મને આમ ઉપરથી ખેંચે, કોક મને નીચેથી ખેંચે, કોક મને સાઈડમાંથી ખેંચે, કોક મને આમથી ખેંચે, ખેંચે જ છે, કટકા નથી કરતા. હલો, તમને તો રાજી, મારા બેટા ત્યાં રાજી થાય સાહેબના કટકા થઈ ગયા. જે સમજવાનું સી સમજો ને, કોક મને આમ બધી બાજુથી ખેંચે તો ખેંચવાથી કઈ મારો એકય ભાગ કપાઈ નથી જતો, જસ્ટ શેપ ચેન્જ થઈ ગયો છે, વોલ્યુમ તો એનું જ રહે. તો હું એમ કહું છું કે વેન યુ આર સ્ટ્રેચિંગ અ વાયર ઇટ્સ વોલ્યુમ વિલ બી કોન્સ્ટન્ટ. When wire will be stretched, आप वायर को स्ट्रेच कर रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम विल बी कॉन्स्टेंट. वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा. वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा मतलब क्या, पहले जो वॉल्यूम था वही वॉल्यूम बाद में रहेगा. लेकिन वॉल्यूम को आप क्या बोल सकते हैं, सिलेंडर के वॉल्यूम को. सपोज इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इसकी लेंथ L1 है, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, इसकी लेंथ L2 है. तो आप ये बोल सकते हैं ना कि इसका वॉल्यूम क्या हुआ, इसका वॉल्यूम हुआ A1 L1, इसका वॉल्यूम हुआ A2 L2. पर वॉल्यूम तो सेम है, मतलब कि A1 L1 is equal to A2 L2 होगा. यहां पे ये पूछा है कि आपने इतनी लेंथ इंक्रीज की, इतनी लेंथ इंक्रीज की कि वो इंक्रीज होके पहले से 100% ज्यादा इंक्रीज हो चुका, मतलब कि न्यू लेंथ L2 इज व्हाट, L2 इज इक्वल टू L1 प्लस 100% ऑफ L1 जो थी वो थी ही, लेकिन वही लेंथ का 100% और बढ़ा दिया, मतलब कि L1 प्लस 100 इंटू L1 डिवाइड बाय L1. हेलो, इसको क्या लिखा, सॉरी 100 इंटू L1 डिवाइड बाय 100, ये हो जाएगा ना 100% ऑफ. आपको ये बोला गया होता कि 30% ऑफ L1, तो आप क्या करते, L1 इंटू 30/100. यहां पे ये 100% ऑफ L1, so 100 into L1 upon 100, 100, 100 will be cancelled. So it is L1 plus L1, it is 2L1. तो आप यहां से देखो, A1 L1 is equal to A2. L2 को आप बोल सकते हैं 2L1. L1 L1 cancel. A2 is A1 upon 2. L2 is equal to 2L1. आपको पूछा गया है कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज व्हाट. तो पहले रेजिस्टेंस R1 क्या था, डेंसिटी, लेंथ, एरिया. अभी रेजिस्टेंस क्या है, सेम मटेरियल है क्योंकि उसको ही आपने स्ट्रेच किया है, तो रो तो सेम रहेगा. L2 आएगा, A2 आएगा. L2 को आप बोल सकते हैं 2L1. एरिया 2 को आप बोल सकते हैं A1 अपॉन 2. सो अल्टीमेटली इट इज 4 टाइम्स रो L1 अपॉन A1. सो अल्टीमेटली इट इज 4R1. तो ये पहले वाला रेजिस्टेंस था, ये बाद वाला रेजिस्टेंस है. आपको नया रेजिस्टेंस कितना है वो नहीं पूछा है, आपको ये पूछा है कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज व्हाट. एक बार में अभी आपको बता रहा हूं कि आपको परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है. सपोज कि 50 मार्क की टेस्ट है और आपको 40 मार्क आए, तो कितना परसेंट ज्यादा आए या कितना परसेंट कम आए, अगर वो आपको लिखना है तो आप कैसे लिखते हैं कि 50 मार्क्स की टेस्ट में से आपको 40 आए, तो अगर 100 मार्क की टेस्ट होती तो आपको कितने आते,
तो 100 इंटू 40 डिवाइड बाई 50 मतलब कि 20 इंटू 4 मतलब कि आपके परसेंटेज 80% है, आपको 80% मार्क आए, लेकिन चेंज कितना हुआ? आपको आने चाहिए थे 100%, आपके आए 80%, मतलब कि चेंज कितना हुआ? 20% का, आपको 20% कम मार्क्स मिले। तो अगर मेरे को यही निकालना है तो मैं ऐसे निकाल सकता हूं ना कि डिफरेंस इन मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, ये करने से मेरे को आंसर आ जाएगा। देखो टोटल 50 मार्क की टेस्ट थी, आपको 40 मार्क्स आए, मतलब कि कम कितना आए? 10 मार्क्स कम आए, मतलब कि जो डिफरेंस है टोटल मार्क्स का और ऑब्टेन मार्क्स का, वो डिफरेंस ऊपर लेना है, नीचे टोटल लेना है, इनटू 100 करना है, तो ये क्या हो जाएगा? 20% आपको कम मिले, वही आ गया। तो अगर मेरे को डिफरेंस करना है कि व्हाट इज द चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया, मेरे को चाहिए परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। अगर मेरे को ये चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? ऊपर रेजिस्टेंस का चेंज लेना है, नीचे ओरिजिनल रेजिस्टेंस लेना है, इनटू 100 करना है। ये हो जाएगा R2 माइनस R1, ओरिजिनली वो R1 ही था, इनटू 100, R2 है 4R1, R1 तो R1 ही है, अपॉन R1 है, इनटू 100। ये हो जाएगा 3R1 अपॉन R1 इनटू 100, R1 R1 कैंसिल, 3 इनटू 100, 300% चेंज होगा आंसर आएगा ये। इसका सल्यूशन आप ये लिख लेना, यहां से पहले ये पोर्शन लिखना पूरा का पूरा, फिर ये लिखना सोल्व प्रॉब्लम 5 का सल्यूशन आपको ये लिखना है, ठीक है? पूरा सल्यूशन आप अच्छे से एक बार लिख लो। ऐसे एक दो प्रॉब्लम हम और देखने वाले हैं ताकि आपका कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, ठीक है? ये पूरा लिख लेना आप। A wire is uniformly stretched to make its area of cross section 1/n times. What will be its new resistance? This time they are not asking about the change in percentage. This time they are asking that what is the new resistance. Means ultimately you want to find out what is the R2. Again they are stretching a wire. This time they make the length 1/n time. See. ये situation होगी आपकी. पहले wire इतना था, फिर wire इतना हो गया. अभी क्या किया? अभी उन लोगों ने क्रॉस सेक्शन को 1/n टाइम्स किया है, लेंथ के बारे में नहीं मालूम है। सपोज इसकी लेंथ L1 है, सपोज इसका क्रॉस सेक्शन A1 है, सपोज इसकी लेंथ L2 है, सपोज इसका क्रॉस सेक्शन A2 है, तो आप पहले वाले का वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू फाइनल वाले का वॉल्यूम V2 बोल सकते हैं, आप जस्ट स्ट्रेच कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा A1 L1, ये हो जाएगा A2 L2, लेकिन आपको मालूम है कि A2 क्या है? A1 का nth पार्ट है, L2, A1 A1 कैंसिल, L2 क्या हो जाएगा? N L1। पुराना रेजिस्टेंस कौन सा था? रो L1 अपॉन A1। नया रेजिस्टेंस क्या है? मटेरियल को स्ट्रेच किया है तो डेंसिटी वही रहेगी, L2 अपॉन A2, मतलब कि रो L2 कितना है? N L1। एरिया कितना है? A1 बाई N, सो अल्टीमेटली इट इज N स्क्वेयर, रो L1 अपॉन A1, सो अल्टीमेटली इट इज N स्क्वेयर R1। तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा? पुराने वाले से N स्क्वेयर टाइम्स बढ़ जाएगा। हेलो, ठीक है? तो ये सॉल्यूशन भी आप लिख लेना, ठीक है? यही सॉल्यूशन है।
लास्ट क्वेश्चन आज का, अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन टू अ स्क्रीन ऑफ अ टेलीविजन, द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 10 माइक्रो एम्पियर इज कंस्टिट्यूएटेड। मतलब कि करंट दे दिया गया है 10^-6 एम्पियर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइकिंग एट द स्क्रीन एट एवरी सेकेंड। मतलब कि t=1 सेकेंड लेना है तब इलेक्ट्रॉन कितने स्ट्राइक हो रहे हैं वो आपको फाइंड आउट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इन 1 मिनट। अगर ये तो करना ही है, साथ साथ ये भी करना है कि t=60 सेकेंड है तब एट दैट टाइम q कितना है। तो पहले देखो, I के बारे में पता है, T के बारे में पता है, तो Q इज इक्वल टू आई टी 10^-6 इंटू 1 सेकेंड। सो अल्टीमेटली 10^-5 कूलम चार्ज, Q इज इक्वल टू 10^-5 कूलम। आप Q का फॉर्मूला ये भी लिख सकते हैं ना, Q इज इक्वल टू एन ई। आपको n के बारे में पूछा गया है तो आप ये लिख सकते हैं q अपॉन e। q कितना है 10^-5। e कितना है 1.6 × 10^-14। आप 1/1.6 × 10^-5, ये -14 ऊपर गया तो +14, आपका आंसर आएगा 1/1.6 × 10^-5 प्लस ये -19 होगा, 1.6 × 10^-19, अब जाके 10^14 आएगा। 1/1/6 और ऐसा कुछ करना, आपका आंसर शायद ये आएगा 0.625 × 10^14। तो एक पॉइंट इधर जाने दो तो आपका हो जाएगा 6.25 × 10^13। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड स्ट्राइक कर रहे हैं। એલા મોટા આંકડો જોઈને આમ રાયડ ફાટી જવી જોઈએ, ઓ હો 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 હો, કેમ 10^13 મતલબ આમ કરોડ કરતા વધારે છે, 10^7 એ કરોડ થાય, 10^8 એ 10 કરોડ થાય, 10^9 એ બિલિયન, 10 બિલિયન એની કરતા વધારે પર સેકન્ડમાં ધડબડાટી ધડબડાટી કરતા કેટલાય ઇલેક્ટ્રોન ભટકાય છે। તોય ચાર્જ જો 10^-5 કુલમ, આટલા બધા ઇલેક્ટ્રોન ભટકાતા હોય તોય એટલો એવો ચાર્જ આવ્યો, અને કરંટ તો જો હાવ માઇક્રો એમ્પિયરમાં આવ્યો, એટલા માટે તે કુલમ્બને બહુ મોટો યુનિટ લેવામાં આવે, એની કરતા નાના યુનિટ મિલી કુલમ માઇક્રો કુલમ આવું બધું હોય છે। સેમ ક્વેશ્ચન હજી આગળ આવે છે કે ભાઈ 60 સેકન્ડમાં ચાર્જ કેટલો, તો તમે એમ કહી શકો ને કે ભાઈ 1 સેકન્ડના અંદર પર સેકન્ડ 6.25 × 10^13 ઇલેક્ટ્રોન્સ આર સ્ટ્રાઇકિંગ એટ ધ ટીવી સ્ક્રીન। યુ હેવ 60 સેકન્ડ, મીન્સ હાઉ મેની નંબર્સ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ આર સ્ટ્રાઇકિંગ, સો n-ન્યુ નંબર ઓફ ઇલેક્ટ્રોન્સ યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ 6.25 × 10^13 × 60। तो जो आंसर आएगा उतने नंबर के इलेक्ट्रॉन आपके पास स्ट्राइक करेंगे। आपको पूछा गया है कि Q कितना होगा, Q डैश मतलब कि नया Q एक मिनट के अंदर कितना चार्ज आएगा, तो वो होगा n-E। तो ये जो आंसर आया उसके साथ आप 1.6 × 10^-19 कैलकुलेट कर देना तो आपके नए Q डैश का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन देखो एक बार। पहले तो ये 6.25 × 10^13 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड, तो एक मिनट में कितने हो गए, एक मिनट के अंदर इतना होगा, तो आंसर आएगा आपका 600 माइक्रो कूलम। देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये देखो Q इज इक्वल टू आई टी, एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन है, इसका 60 टाइम्स करो तब एक मिनट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए वो मालूम पड़ेगा। और इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स टीवी स्क्रीन के सामने कराने के बावजूद चार्ज तो 600 माइक्रो कूलम ही है। ये जो पहले के जमाने में वो से बड़े बड़े टीवी आते थे ना, स्क्रीन ऐसे आगे की तरफ और पीछे ऐसे पूरा पीठ निकाला हुआ टीवी रहता था,
अभी तो एलईडी टीवी आ गए, दीवार में फिट हो जाता है, लेकिन पहले से बड़े बड़े टीवी आते, उसमें क्या रहता था, एक इलेक्ट्रॉन गन इधर रहती थी जिसमें से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली ऐसे बॉम्बार्डिंग होता है और तब जाके आपके स्क्रीन के ऊपर कोई पिक्चर आता है। कभी कभार जो लाइट चली जाती है, मतलब कि वो टीवी के अंदर की लाइट चली जाती है, तो आपको ऐसे झरमरिया झरमरिया दिखाई देते हैं, वो क्या रहता है, वो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली स्ट्राइक होते रहते हैं। अभी तो ऐसा नहीं होता, अभी तो पूरी ब्लू स्क्रीन आ जाती है अगर टीवी में कनेक्शन चला जाता है तो, लेकिन पहले से झरमरिया झरमरिया आते थे। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। राइट डाउन योर होमवर्क। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब हम इसके रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम आगे है वो एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, अस्तु।